वेलकम टू माय चैनल, माय किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अलग तरीके से आलू गोभी की रेसिपी। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और आलू गोभी बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज को मिक्सी जार में डाल देंगे। दो मीडियम साइज़ वाले प्याज लिए हैं और इनको रफली पीस लिया है, दरदरा पीसना है। और उसी में डाल देंगे हरा धनिया, एक हरी मिर्च और कुछ पालक के पत्ते भी डाल देने हैं। अगर पालक नहीं है तो सिर्फ धनिए से काम चला लेना। और इन सबको भी हम पीस लेंगे और एक आध चीज़ और डालेंगे साथ में। कुछ लहसुन की कलियां ली हैं, एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और एक टमाटर को मोटे मोटे पीसीज में काट देंगे। बीच से काट के आगे वाला जो पार्ट है वो हटा देना है, जैसे मैं हटा रही हूँ। और अगर आप छिलका छील कर डालें तो भी अच्छा है, और बगैर छिलके के भी आप पीस सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे, बिल्कुल फाइन पीस लेना है। और अब हम लेंगे गोभी। गोभी का डंठल हटा के और हाथ से इनके जो फ्लावर होते हैं इनको तोड़ लेना है। और तोड़ के क्या करना है, गर्म पानी लें, उसमें नमक डालें और उसके अंदर ही गोभी को डाल दें। 5-6 मिनट डालने के बाद ये अच्छी सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसके अंदर जो कीड़े वगैरह होंगे वो भी मर जाएंगे और इनके अंदर भी नमक चला जाएगा। कई बार क्या होता है, गोभी फीकी फीकी लगती है, नमक डालने के बाद भी उसके अंदर वो चटपटापन नहीं होता, तो ऐसा करने से उनके अंदर नमक चला जाएगा और फीकी फीकी नहीं लगेंगी। और ये देखिए, मैंने पूरी गोभी को इस तरह से तोड़ लिया है। और कुकर ले लेंगे, एक चम्मच डालेंगे सरसों का तेल और धुआं निकलने तक गर्म होने के बाद डाल देंगे एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन अगर है तो ज़रूर डालें। और तड़कने तक पकने के बाद डाल देंगे प्याज जो हमने दरदरा पीस के रखा है। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद डाल देंगे प्यूरी जो टमाटर और धनिया पालक की जो हमने बना के रखी है। और साइड से तेल निकलने के बाद डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच देगी मिर्च। मिर्च में तीखापन नहीं होता, अगर तीखा खाना है तो आप यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पकाने के बाद डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो ये प्यूरी डाली है वो जले ना। और अब हम डाल देंगे आलू गोभी और अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद लगा देंगे ढक्कन और सिर्फ दो विसल लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। और एक विसल को इसके अंदर ही रहने देंगे, जो लास्ट वाली होती है अपने आप निकलने देंगे भाप को। और ये देखिए, आलू गोभी की मसालेदार चटपटी सब्जी बनकर तैयार है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए। टेक केयर।